ज्ञान और संस्कृति भारत की विरासत रही है। यहाँ की शिक्षा ने भारत को विश्व गुरु का नाम दिया और शिक्षा और संस्कृति के प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित किया। अगर वर्तमान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सन 1956 में UGC की स्थापना की गई। भारत में उच्च शिक्षा देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए UGC ने राज्य स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें राज्य स्तर पर देश और राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। और UGC की इस पहल से जन्म हुआ राजस्थान के एकमात्र खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का। राजस्थान का कोटा शहर, जो कभी उद्योगों की नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टडी की कोचिंग की वजह से एजुकेशन सिटी बन गया है। ऐतिहासिकता और नवीनता के योग में सर्वप्रथम जो नाम आता है वह है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार UGC के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर जी रामा रेड्डी की अध्यक्षता में अपने संपूर्ण अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसे नाम दिया गया कोटा खुला विश्वविद्यालय। 21 सितंबर 2002 इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1987 में जो बजट आया, उस बजट में ये प्रपोज किया कि इस स्टेट में एक खुला विश्वविद्यालय होगा, और तदुपरांत जो राजस्थान के दो पत्राचार अध्ययन संस्थान उस समय कार्यरत थे, एक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के जो पत्राचार अध्ययन संस्थान थे, इन दोनों पत्राचार अध्ययन संस्थाओं को मिला करके यहाँ कोटा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय कोटा में रखा गया था। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में लोकतांत्रिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए की गई, जो राजस्थान के दूरस्थ इलाकों तक कम लागत में और नवीनतम रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जड़ों को उसकी स्थापना से अब तक 5 कुलपति अपने ज्ञान और अनुभव से सींच चुके हैं और वर्तमान में विश्वविद्यालय के 6 कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक इसके उद्देश्यों को पूरा करने और विश्वविद्यालय को नए ऊंचे मुकाम तक ले जाने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी समझ से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का मुख्य विजन है रीच टू अनरीच, अर्थात उन लोगों तक पहुंचना जहां तक अभी शिक्षा पहुंची नहीं है। और जैसा कि हमें पता है कि उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन का बहुत ही असर हो रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा की दिन प्रतिदिन दरें बढ़ती जा रही हैं। आज तकनीकी भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमें उच्च शिक्षा सस्ते में उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन लोगों तक अभी ये नहीं पहुंच पा रही है। क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है। कोटा के रावतभाटा रोड पर स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आज अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करने में जुटा है। कुलपति सचिवालय, यहाँ से विश्वविद्यालय के कुलपति पूरे विश्वविद्यालय का संचालन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज विश्व में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन और खासकर ICT इनेबल्ड एजुकेशन की तरफ यह विश्व बढ़ रहा है और दूरस्थ शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। जब से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई है तब से शिक्षा का स्वरूप बहुत बदल गया है और मुझे लगता है कि आज वक्त उसके सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का है। यह कार्य केवल दूरस्थ शिक्षा कर सकता है। हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स जैसे OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs को अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, जिसे मुझे लगता है कि देश में टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय देने में सक्षम हो रहा है। विश्वविद्यालय का स्थापना विभाग जो यहाँ के कुल सचिव की अगुवाई में विभिन्न वित्तीय और मंत्रालयिक कार्यों का क्रियान्वयन करता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में PG, बैचलर और सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के साथ साथ PhD भी कई विषयों में कराई जा रही है। कुल 15 विषयों में PhD प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कॉमर्स,
इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बोटनी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स और जर्नलिज्म। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में कुल 26 पीजी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं: मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी और वहीं पर मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी और साइंस ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ आर्ट्स राजस्थानी, मास्टर ऑफ आर्ट्स मैथमेटिक्स और साइंस मैथमेटिक्स में भी पीजी कोर्स चलाया जा रहा है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में स्नातक में कुल 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं: बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ एजुकेशन। विश्वविद्यालय द्वारा 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गांधियन नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड ऑडिट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसी के साथ 12 डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: डिप्लोमा इन कल्चर एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ राजस्थान, डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन प्राकृत लैंग्वेज, डिप्लोमा इन अपभ्रंश लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन फूड सर्विस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जनरल एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन मेमोरी एनहांसमेंट साइंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसी के साथ 30 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सर्टिफिकेट इन कल्चर एंड टूरिज्म, सर्टिफिकेट इन राजस्थानी लैंग्वेज एंड कल्चर, सर्टिफिकेट इन पंचायती राज प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन लीगल अवेयरनेस फॉर वुमेन, सर्टिफिकेट इन एड्स एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन ऑब्स्ट्रिक्ट असिस्टेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड अवेयरनेस ऑफ गांधीयन मेथड्स, सर्टिफिकेट इन प्राकृत लैंग्वेज, सर्टिफिकेट्स इन अपभ्रंश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन ऑस्टोपैथी, सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा मैट, सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी, सर्टिफिकेट इन योगा, सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष, सर्टिफिकेट इन कर्मकांड, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा, सर्टिफिकेट इन क्रॉप प्रोटेक्शन, सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, सर्टिफिकेट इन मेमोरी एनहांसमेंट साइंस, सर्टिफिकेट इन डिजिटल लाइब्रेरीज, सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स इन अप्लाइड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फूड एंड बीवरेज ऑपरेशंस, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन अकोमोडेशन ऑपरेशंस, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फूड एंड न्यूट्रिशन। इन प्रोग्राम्स में कुछ विशेष प्रोग्राम्स भी हैं, जो अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में बिल्कुल अलग हैं, जैसे BAP, BCP एवं BSCP प्रोग्राम्स, जो एक वर्ष का है। ये पाठ्यक्रम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा के बराबर मान्यता प्राप्त है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर और बैचलर में लेटरल एंट्री की भी सुविधा दी गई है। हमारे यहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर
10+2 नहीं भी है और वो 18 साल का है तो हमारा BAP, BCP, BSCP करके भी वो बच्चा आ सकता है। अर्थात एडमिशन के लेवल पर हमारा लचीलापन है कि वो एक प्रवेश परीक्षा दे करके वो एडमिशन ले सकता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान के सभी शिक्षकों के लिए MED और BED का प्रोग्राम शुरू किया गया। इसको करने के लिए शिक्षण क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। BED प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली स्टूडेंट को बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें 50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और 45% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। उसके अलावा 2 साल का शिक्षण अनुभव मैंडेटरी है। MED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को BED होना चाहिए और BED में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए और BED डिग्री के उपरांत 2 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। विश्वविद्यालय ने पूरे राजस्थान में 6 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की, जो राजस्थान के मुख्य शहरों में स्थित हैं: अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। विश्वविद्यालय द्वारा 7वें क्षेत्रीय केंद्र का भी प्रस्ताव है, जो शीघ्र ही भरतपुर में शुरू होगा। इसके साथ साथ लगभग 360 अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को सेवाएं देने के लिए 3-tier व्यवस्था की गई है, जिसमें हेडक्वार्टर पे रीजनल सर्विसेज डिवीजन है। इसके अंतर्गत राजस्थान में पूरे प्रदेश में 6 जगह पर क्षेत्रीय केंद्र हमारे स्थापित हैं, जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे कार्यरत हैं। इसी के अंतर्गत अध्ययन केंद्र 3री कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्र केंद्र का काम तो ये है कि कन्वेंशनल एजुकेशन से वंचित रह जाने वाले विद्यार्थियों को किसी न किसी तरह से दूरस्थ शिक्षा से जोड़ना। कभी हम कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित करते हैं, कभी प्रचार प्रसार के दूसरे माध्यमों को काम में लेते हैं, यहाँ तक कि आकाशवाणी के फोन इन प्रोग्राम हैं या रेडियो काउंसलिंग प्रोग्राम है या पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विज्ञापन हैं या व्यक्तिशः कहीं जाकर अपने व्याख्यानों के माध्यम से इस ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के कंसेप्ट को समझाना। विश्वविद्यालय में छात्रों के स्टडी मटेरियल को तैयार करने में कई अनुभवी प्रोफेसर्स का योगदान रहता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। हम लोग विद्यार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन करते हैं। हम जो अपना अध्ययन सामग्री बनाते हैं, स्टडी मटेरियल बनाते हैं, वो साइंटिफिक तरीके से निर्मित की जाती है। विद्यार्थी पढ़ने के बाद अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से लेकर स्टडी मटेरियल, एग्जाम और रिजल्ट तक कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय में कई अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा एवं उनके परीक्षा परिणामों के लिए विशेष पद्धति अपनाई जा रही है। BZ और UZ में जो प्रश्न पत्र का जो मॉडल है, उस मॉडल में 3 सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हम लोगों के पास जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, सेक्शन बी में जो होंगे वो शॉर्ट टाइप के होंगे और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे टाइप होंगे। ये प्रश्न पत्र का मॉडल जो लागू कर रहे हैं हम, या पद्धति लागू कर रहे हैं, ये दिसंबर 2014 के परीक्षा से हम लागू करेंगे। विश्वविद्यालय ने समय पर रिजल्ट परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए केंद्रीय मूल्यांकन हम लोगों ने शुरू कर दिया है और केंद्रीय मूल्यांकन के दौरान हम 1 से 1.25 महीने के अंदर सारे पाठ्यक्रम, जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके परीक्षा परिणाम लोग घोषित कर देते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट्स को सही समय पर स्टडी मटेरियल मिल सके, इसके लिए पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग का निर्माण किया गया, जो स्टूडेंट्स के एडमिशन के वैलिडेशन के तुरंत बाद स्टडी मटेरियल स्टूडेंट तक पहुँच सके उसे सुनिश्चित करता है। इस विभाग में स्टडी मटेरियल सेट तैयार करने से लेकर उसे छात्र तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी निभाई जाती है। जो ही छात्रों का अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र छात्रों का एडमिशन का वैलिडेशन कर देंगे, जल्दी से जल्दी उनके नज़दीकी अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्रों पर किताब भेजेंगे। जो छात्र फार्म में फिलअप करेंगे, जो अध्ययन केंद्र या जगह करेंगे, उस पर किताबें तुरंत प्रभाव से साधनों से भेजेंगे। और फिर भी छात्रों को अगर नहीं मिलेगी तो वो हमें ये नंबर दे रहे हैं वेबसाइट यूनिवर्सिटी के, वो नंबरों के द्वारा हमें कॉल करके बात कर लें, हम किताबें भिजवा दें। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए EMPC इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत आधुनिक वेबसाइट से लेकर ऑडियो विजुअल स्टडी मटेरियल का निर्माण होता है।
www.vmou.ac.in पर विजिट करके आप विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडमिशन, एग्जाम, कॉन्टेक्ट क्लासेस, प्रैक्टिकल्स आदि की भी जानकारी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को बुक्स के अलावा डिजिटल सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। स्टूडेंट्स को स्टडी में अधिक से अधिक फायदा हो और वो गुणवत्तापूर्ण स्टडी कर सके, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्टूडियो की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा वीडियो लेक्चर्स का निर्माण किया जाता है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स हमारी वेबसाइट www.vmou.ac.in पर और YouTube चैनल के VMU ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं। Through our university from academic session July 2014, विश्वविद्यालय के मध्य में स्थित EMBC विभाग में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के जरिए सर्वर रूम जुड़ा हुआ है। इसी विभाग में वीडियो स्टूडियो भी है, जहां से सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स शूट होते हैं एवं एडिट किए जाते हैं। इसी सर्वर रूम से विश्वविद्यालय के SIS भी जुड़ा हुआ है, जहां पर बच्चे के एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन एवं उसके बाद तक की सारी गतिविधियाँ कंट्रोल होती हैं। बच्चा वन व्यू के जरिए अपना सारा का सारा रिकॉर्ड इंटरनेट पर देख पाता है। इसी विभाग में कंप्यूटर सेंटर एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का मजबूत पक्ष होता है उसकी लाइब्रेरी। VMOU की लाइब्रेरी काफ़ी गुणवत्तापूर्ण और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। इसमें प्रत्येक विषय की कई महत्वपूर्ण देशी विदेशी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो छात्र को पढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। पुस्तकों को बार कोड के माध्यम से डिजिटाइज किया जा रहा है, जिससे ये पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनने जा रही है। जो UGC इन्फोनेट के द्वारा इन्फ्लिपनेट से जो ई रिसोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं, उस स्कीम के तहत हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शोधकर्ताओं को, हमारे शिक्षकों को वो सारी सुविधाएं हों ई रिसोर्सेज के माध्यम से, और ई जर्नल्स का एक्सेस UGC इन्फोनेट द्वारा करीब 3-4 हज़ार जर्नल्स को दिया गया है। इसके तहत VMU के किसी भी टर्मिनल से हमारे शोधकर्ता, शिक्षक इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे जो तमाम कलेक्शन है, जो जिसकी की संख्या करीब 1 लाख है, जिसमें न केवल टेक्स्ट बुक्स बल्कि रेफरेंस बुक्स, तमाम तरह के एनसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, डायरेक्ट्रीज, ईयर बुक्स, एलमनक्स, बायोग्राफिकल डिक्शनरीज और तमाम तरह के जितने सोर्सेज इन्फो रेफरेंस सोर्सेज होते हैं पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपने सभी विभागों के सहयोग के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने को अग्रसर है, और इन सब के साथ कुलपति के नेतृत्व में दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, जो विद्यार्थियों को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से वो अपने जीवन को एक मजबूत और सकारात्मक दिशा दे पाएंगे।